अब पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को अलर्ट करने वाला एक घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने भवन निर्माण अनुमित में फर्जीवाड़े और लेट लतीफी से बचाने के लिए कुछ वर्ष पहले इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, पर अब लगता है कि इस सिस्टम के जानकारों ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर की कमी का फायदा उठाकर इससे भी फर्जी भवन निर्माण अनुज्ञा जारी कर शासन और नगरीय निकायों को भारी भरकम राजस्व नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब भरने का रास्ता निकाल लिया है। जी हां, ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं आगर मालवा जिला मुख्यालय की नगर पालिका आगर में, जहां पहले तो भूमि स्वामी संतोष बाई से पूरा शुल्क वसूलते हुए 28 अक्टूबर 2021 को एक फर्जी निर्माण अनुज्ञा जारी की गई, और जब भूमि स्वामी ने इस अनुज्ञा के आधार पर बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की तो बैंक के पैनल लॉयर पारस जैन की जागरूकता के चलते यह पता चला कि अनुमति तो नगर पालिका आगर द्वारा जारी ही नहीं की गई है, बल्कि भवन निर्माण अनुमति प्रोसेसर संबंधित प्रकरण में उज्जैन निवासी इंजीनियर हेमंत भानुपिया प्रोसेसर है, जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि किसी दूसरे को जारी अनुमति के क्रमांक का उपयोग करते हुए उसमें कुछ काट छांट कर नगर पालिका CMO के डिजिटल साइन के साथ या फर्जी अनुमति भूमि स्वामी को दे दी गई है, और जिसका पता स्वयं भूमि स्वामी को भी पता नहीं है कि उससे निर्माण अनुमति की पूरी राशि लेने के बाद भी उसे इस तरह की फर्जी भवन निर्माण अनुमति पकड़ा दी गई है। पर जैसे इस मामले का खुलासा हुआ तो तुरंत ही प्रोसेसर ने भूमि स्वामी से निर्माण अनुमति हेतु लिए हजारों रुपए नगर पालिका में जमा करते हुए एक दिन में ही उस निर्माण की वास्तविक अनुमति 3 मार्च 2022 को नगर पालिका से जारी करवा ली। ठीक इसी तरह का प्रकरण आगर की श्रीमती रेखा गुजराती के साथ भी हुआ है, जिनसे अनुज्ञा की पूरी राशि वसूलने के बाद भी जिन्हें पहले 30 दिसंबर 2021 को एक फर्जी निर्माण अनुज्ञा जारी कर दी गई और फिर इसका खुलासा हुआ तो इन्हें तत्काल 14 मार्च 2022 को ओरिजिनल अनुज्ञा दे दी गई है। दर्शकों के सामने ये दोनों निर्माण अनुमति है, आप देख सकते हैं कि एक ही पक्षकार को एक ही निर्माण के लिए दो अलग अलग निर्माण अनुमति जारी की गई है, जिसमें 28 अक्टूबर 2021 को जारी निर्माण अनुमति फर्जी है और 3 मार्च 2022 को जारी निर्माण अनुमति असली है। प्रकरण का खुलासा करने वाले बैंक पैनल लॉयर पासर जैन का कहना है कि नगर पालिका आगर द्वारा काफी लंबे समय तक भवन निर्माण अनुज्ञा को पेंडिंग रखा जाता है और उसके चलते चालक लोगों को इस तरह की बदमाशी करने का अवसर मिलता है। गिरीश न्यूज ने भी जब नियमों को खंगाला तो पता चला कि अनुज्ञा का पेमेंट जनरेट होने के बाद इसका 3 दिन में निपटारा करना अनिवार्य है, जबकि आगर नगर पालिका ने कई अनुज्ञा को 6 माह से भी अधिक समय से लंबित रखा हुआ है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब हम इस पूरे मामले की गहराई में गए तो हमें जानकारी मिली है कि इस तरह की कई निर्माण अनुमति जारी हुई है और जिसका पता अनुज्ञापित धारियों तक को नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अनुज्ञापित की पूरी राशि चुकाई है। पर इन सबका खुलासा तब होगा जब भूमि स्वामी के सामने निर्माण संबंधित कोई विवाद की स्थिति खड़ी होगी या फिर वह बैंक से लोन लेने जाएगा, तब यदि बैंक लॉयर इस बदमाशी को पकड़ ले। बैंक पैनल लॉयर पासर जैन बता रहे हैं कि यदि पूरे प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो पूरे प्रदेश में एक ऐसे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है जिसके माध्यम से शासन और नगरीय निकायों को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना हर महीने लगाया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया है वह शासन द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर की किसी कमजोरी का फायदा उठाना बिना संभव नहीं है, क्योंकि फर्जी निर्माण अनुमति में भी नगरीय निकाय के CMO के डिजिटल सिग्नेचर हूबहू आ रहे हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े को पकड़ने वाले अधिवक्ता पासर जैन ने अब इस मामले की शिकायत जिले के कलेक्टर और नगर पालिका आगर के प्रशासन अवधेश शर्मा को कर पूरे प्रकरण में प्रमुख आरोपियों के साथ नगर पालिका आगर के अधिकारी कर्मचारी और इंजीनियर की मिली भगत का परिणाम बताया है और पूरे की सुरक्षात्मक से जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले ही आगर नगर पालिका के CMO का चार्ज संभालने वाले CMO से जब हमने इन सब के बारे में बताया तो उन्होंने पूरे मामले से अभी तक अपने आप को अनभिज्ञ बताते हुए एक गंभीर प्रकरण बताया तथा इसकी जांच कराकर प्रकरण के दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। गिरीश जी, मैं बैंक का पैनल एडवोकेट हूँ और किसी भी भवन के लोन के लिए
हाउस लोन के लिए जब कोई आवेदक बैंक में जाता है ऋण के लिए, तो उसके संपत्ति की जांच हमारे द्वारा की जाती है। उसी दौरान जांच के दौरान मुझे आगर के अरियंत वैली कॉलोनी के लिए भवन निर्माण की अनुमति देखने को मिली। आवेदिका संतोष भाई पति प्रेम सिंह, वह जॉइंट अकाउंट है प्रेम सिंह पिता नाथ सिंह, इनके द्वारा अरियंत वैली कॉलोनी के भवन क्रमांक 91 और 92 के निर्माण की अनुमति ली गई थी। निर्माण अनुमति को जांच के दौरान मुझे कुछ शंका हुई, क्योंकि मेरे द्वारा पहले भी बहुत सी अनुमतियाँ देखी है, किंतु उसमें मुझे कुछ फर्क लगा, तो मैंने उसको और विस्तृत जांच के लिए बारे में सोचा और अपने बेटे को नगर पालिका में इसकी जांच के लिए भेजा। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि इसकी उज्जैन से ही AB पास सेकंड पर जानकारी मिल सकती है और वह वापस आ गया। इसी दौरान 2 घंटे के अंदर जो फर्जी अनुमति थी उसकी जो राशि बाकी थी, जो वो कंप्यूटर पे एडिट करके, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की जो भवन निर्माण अनुमति थी उस पर इसका नाम क्रमांक बदल कर दे दी गई, 2 घंटे के अंदर ही रुपए जमा कर दिए गए। इस प्रकार से जो भी संबंधित इंजीनियर हैं उनके द्वारा ऐसी फर्जी निर्माण अनुमतियाँ कंप्यूटर पे एक दूसरे को एडिट करके दी जा रही है और एक ही राशि को मतलब बार बार कई बार उपयोग करने की संभावनाएं प्रकट हो रही है इससे, और शासन को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होने की संभावनाएं, और निश्चित रूप से इसका चूना लगाया गया है। इसकी जानकारी और जांच के लिए मैंने कलेक्टर महोदय को एक पत्र लिखा है अभी 4-5 दिन पहले ही, और वो कलेक्टर महोदय को प्राप्त हो गया है। इसकी जाँच होना बहुत आवश्यक है ताकि ऐसी फर्जी निर्माण अनुमति और शासन को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाया जा सके। अच्छा, अभी आपने इंजीनियर का नाम लिया, तो नगर पालिका के इंजीनियर या कौन से इंजीनियर? जो आजकल नगर पालिका भवन निर्माण अनुमति के लिए शासन के पोर्टल पे कोई भी लाइसेंसी इंजीनियर खुद उसको भवन निर्माण अनुमति को अपलोड करता है, वही मतलब यानी कि राशि जमा करता है, किंतु उसकी समस्त जानकारी नगर पालिका के इंजीनियर को होना भी आवश्यक है। तो ये इन दोनों को संबंधित जो भी है इनको मिलकर की जा रही है बेईमानी त्रुटि या इस प्रकार से जो भी हो, मतलब अगर जांच की जाएगी तो ऐसे कई जो मामला दिख रहा है तो कई इस तरह की फर्जी बहुत समय से चल रहा होगा, और ये केवल आगर में ही नहीं और अन्य जगह भी होगा। इसके लिए शासन को अपने पोर्टल में सुधार की आवश्यकता है ताकि कोई भविष्य में किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की फर्जी अनुमति जारी न कर सके। थैंक यू सर। ये हमारे संज्ञान में एक मैटर आया है कि नगर पालिका आगर से फर्जी निर्माण अनुमतियां जारी हो रही है, हमने एक आपको दिखाया भी है मैटर, तो क्या मैटर है सर ये पूरा? जैसा कि आपके द्वारा दस्तावेज दिखाए गए उसमें 2 प्रकार की बिल्डिंग परमिशन की कॉपीज आपने शो करी, जिसमें डिफरेंट प्रकरण नंबर है, तो सब मामला संज्ञान में आया है। यांत्रिकी शाखा से चर्चा कर और कौन से कंसल्टेंट के द्वारा इस तरीके से कार्य किया जा रहा है, जाँच की जाएगी, जाँच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे। कि इस समय हम नगर पालिका आगर में, जहाँ से ये जो भवन निर्माण अनुमति की फर्जी जो अनुमति है उसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की सबसे खास बात यह है कि जब हमने विशेषज्ञों से चर्चा की तो उनका कहना था कि इस मामले का खुलासा जरूर आगर से हो रहा हो, पर यह काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि शासन द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका उपयोग ऐसे इंजीनियर जिन्होंने भवन निर्माण अनुमति के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें जाकर एडिट करते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। मतलब ये जो हमारे सामने आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो भवन निर्माण अनुमतियाँ हैं, इसमें हुआ ये है कि नाम एडिट कर दिया गया है, कुछ जो विशिष्ट है वो एडिट कर दिया गया है, और दूसरे के नाम से जो भवन निर्माण अनुमति जारी थी उसी पे उसके नाम और अमाउंट लिख के ये अनुमति उसको दे दी गई है। अब इसके बाद ये जो भवन निर्माण अनुमति है ये पूरी तरह ओरिजिनल लगती है, इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो भूमि स्वामी है उसको भी नहीं मालूम कि उसे फर्जी भवन निर्माण अनुमति दे दी गई है, और जब वह इसका उपयोग करने बैंक जाता है और बैंक पैनल लायर के पास ये पहुँचती है, तो यदि बैंक पैनल लायर ने भी पूरी गंभीरतापूर्वक इसको देखा हो और ऑनलाइन चेक कराओ तभी जाके जो है ये मालूम पड़ पाएगा, नहीं तो बैंक भी जो है वो चिटिंग का शिकार हो जाएंगे। और इस तरह से जो मध्य प्रदेश शासन है उसमें भी हर महीने लाखों करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है इस फर्जीवाड़े के कारण।
प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक ले और जल्द से जल्द जो ये कमी है सॉफ्टवेयर में इसको दूर की जाए। ये है गिरीश सक्सेना की। जिला आगर मालवा से संवाददाता गिरीश सक्सेना की रिपोर्ट।